हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की एक प्रसिद्ध रेसिपी है। हम इसे रस्टिक, सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले हम लिट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। ट्रेडिशनली लिट्टी गेहूं के आटे से ही बनती है, मैदे से नहीं। तो हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सरसों का तेल भी डाल सकते हो। अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। हमें कड़क और मध्यम के बीच में आटा गूंद लेना है। तो देखिए, हमने आटा गूंद लिया है। ये बहुत मुलायम नहीं है, ये हल्का सा कड़क है। तो देखिए, जैसे ही हम इसे दबाएंगे इसमें हल्का सा प्रेशर लगेगा, ये सॉफ्ट नहीं है। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब डो को हम साइड में रख देंगे और लिट्टी की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1.5 कप सत्तू लिया है। ये सत्तू मैंने स्पेशली नॉर्थ से मंगाया था। सत्तू जौ यानी कि गेहूं के ऊपरी जो हस्क होती है और काला चना, इन दोनों का पाउडर बना के तैयार किया जाता है, तभी ये सत्तू बनता है। इसका जो रंग है कुछ मुल्तानी मिट्टी जैसा है, ये ब्राइट येलो नहीं है। अब इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। हमें इसे दोनों हथेलियों के बीच में मसल लेना है ताकि इसका अच्छा से फ्लेवर आ जाए। आधा इंच कटा हुआ अदरक, आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हो। 6 कटे हुए लहसुन, 3 बहुत ही तीखी हरी मिर्च, आप इसकी मात्रा और भी बढ़ा सकते हो। 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून अचार का मसाला, आप कोई भी अचार के मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो जो घर में अवेलेबल है, 2 नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 4 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल। अच्छे से डाल लेंगे और सभी चीज़ों को मिला लेंगे। हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे हमें दबा दबा कर यानी कि स्क्वीज करते हुए मसलते रहना है ताकि सभी फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि फिलिंग सूखी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये बन सा रहा है। तो ये फिलिंग सत्तू की तैयार हो चुकी है। तो अब हम लिट्टी बना लेंगे। हमने यहाँ पे नींबू के साइज से थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, इसे गोल आकार दे देंगे। अब कटोरी नुमा तैयार कर लेंगे। इसकी जो मोटाई होगी यानी कि जो थिकनेस होगी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, कटोरी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें सत्तू की फिलिंग डाल लेंगे। और इसे इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से हम बंद करते जाएंगे इसका मुंह। और जो एक्स्ट्रा आटा है यानी कि जो अतिरिक्त आटा है वो हम निकाल लेंगे और गोल आकार दे देंगे। देखिए, लिट्टी बनके तैयार हो चुकी है। इसका जो शेप है यानी कि जो आकार है वो फ्लैट नहीं होगा, राउंड ही बना रहेगा। और इसी तरीके से हम बाकी के भी लिट्टी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने आधे से ज़्यादा बैच तैयार कर लिया है लिट्टी का। अब हम इसे पका लेंगे यानी कि भून लेंगे।
हमने यहाँ पे लकड़ी के कोयले को गर्म कर लिया है। हम यहाँ पे लकड़ी के कोयले पर भूनेंगे। वैसे ट्रेडिशनली उपले, कंडे या फिर कह लो आप इसे काउडंग, उसमें भूना जाता है, लेकिन हम लकड़ी के कोयले में भूनेंगे। तो हम एक एक करके बड़े सावधानी से इसे रख देंगे और निरंतर इसे पलटते रहेंगे। इसे करीबन 2 मिनट का वक्त लगेगा भूनने के लिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाने के लिए। तो देखिए मात्र 2 मिनट में ये तैयार हो चुका है। आप इसका रस्टिक लुक देख सकते हो, काफी सुंदर सा है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ। हमने कढ़ाई को मध्यम आंच पर रख दिया है और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी इसमें हम लिट्टी रख देंगे और करीबन 1 मिनट तक इसे हमें हाथों से मूव करते रहना है, यानी कि चलाते रहना है। तो 1 मिनट हो चुका है, अब कढ़ाई को हम हटा देंगे और डायरेक्टली हम गैस के ऊपर इसे रोस्ट करेंगे। तो देखिए हमने इसे रोस्ट कर लिया है, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो लिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम लिट्टी को साफ कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि जो राख चिपकी है वो निकल जाए। तो लिट्टी बनके तैयार हो चुकी है। चोखा बनाने के लिए बहुत ही सरल से सामग्री की जरूरत है। यहाँ 2 मध्यम आकार के बैंगन, 2 टमाटर, 1 आलू का इस्तेमाल करेंगे। बैंगन को हम गहरे कट्स दे देंगे। और इसमें लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरे बैंगन को भी गहरा कट दे देंगे और मिर्ची और लहसुन डाल देंगे। अब कच्चा सरसों का तेल बैंगन पर लगा लेंगे। इससे ये होगा कि बैंगन की जो ऊपरी परत है बहुत ही आसानी से निकल आएगी। आप इसे स्टील के रैक पर रख सकते हो और मध्यम आंच पर इसे सभी सब्जियों को भून सकते हो। हम यहाँ पे इस स्टील के रैक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लकड़ी के कोयले पर इन तीनों चीजों को भून लेंगे। तो हम इसे रख देते हैं लकड़ी के कोयले के ऊपर और इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो देखिए ये भून के तैयार हो चुका है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। हम अब इन सब की ऊपरी परत निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों की परत निकल चुकी है। इसे अब हम छुरी की सहायता से रफली काट लेंगे। तो देखिए हमने इसे काट लिया है। अब सभी चीजों को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें 1 इंच कटा अदरक, 3 तीखी हरी मिर्च, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा कटा हुआ धनिया, अब धनिया की मात्रा बढ़ा भी सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, 4 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल। अब स्वच्छ हाथों से इसे हम दबा दबा के मसल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे ताकि सभी फ्लेवर्स एक दूसरे से ब्लेंड हो जाए। तो देखिए चोखा तैयार हो चुका है। हमें इसे बहुत ज्यादा पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो शानदार सरल सा लिट्टी चोखा तैयार हो चुका है। तो देखिए काटा बड़े ही आसानी से जा रहा है। अब इसे हम घी में डुबो देंगे।
अब इसके हम दो हिस्से कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसके दो हिस्से हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम फिर से घी डाल देंगे और थोड़ा सा चोखा और इसे अब हम टेस्ट कर लेंगे। माय गुडनेस, बहुत ही चटपटा है, बहुत ही ज्यादा हटके रेसिपी है ये, और इसका टेस्ट जो है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही रस्टिक टेस्ट आया है इसका। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सरल सी रस्टिक रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।